नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 11 से लेकर 17 तारीख तक की। 11 से लेकर 17 तारीख तक की जो वक्त है इसमें स्टूडेंट को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो, जितना रेजोनेट करें। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जिनके साथ आप रिश्ते में हो लिब्रा यानी तुला राशि और नो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, वो बंदा या बंदी एट ऑफ पैंटकल्स नाइन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। ये बंदा या बंदी जो भी है रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे कि आपके साथ रिश्ते में रहना इनके लिए कोई विश फुलफिलमेंट है। जब तक यह आपके साथ रिश्ते में पूरी तरीके से जुड़ ना जाएगा इनका कोई विश पूरा नहीं होगा, ऐसा ये सोच रहे हैं कि क्योंकि आपके साथ रिश्ते में रहना ही उनके लिए एक बहुत बड़ा विश फुलफिलमेंट है। ये मेहनत कर रहा है रिश्ते में कामयाबी के लिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत करना है क्योंकि इनको लगता है कि रिश्ते हो या पैसा स्टेबिलिटी जो भी है बिना मेहनत के इनको कुछ नहीं मिलेगा। रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, साथ ही साथ शादी को लेके बहुत ज्यादा चिंतित है। शादी जैसा कोई डिसीजन ये इन दिनों लेना चाहते हैं, जो इन्होंने पहले नहीं किया था ऐसा कुछ ये करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरीके से रिश्ता चल रहा है अगर ये उस तरीके से रिश्ते को चलाएंगे ये रिश्ता स्लो हो जाएगा और नो कांटेक्ट इस तरीके का सिचुएशन बार बार आएगा, रिश्ते में परेशानी होगी। तो पहले ही आपसे दोस्ती करना चाहेंगे फिर दोस्ती को शादी में कन्वर्ट करना चाहेंगे। बहुत दिनों से बंदा सोच रहा है शादी के बारे में डिसीजन लेगा, जो लोग शादीशुदा नहीं है और जो पहले से ही शादीशुदा है वो शादी के रिश्ते को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहा है, कुछ नया करेंगे क्योंकि कुछ भी करके ये आपके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं और आपके साथ इनका रिश्ता इनके लिए एक विश फुलफिलमेंट है। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। लिब्रा आप जिनके साथ रिश्ते में हो, कोई टॉरस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कोई एरीज हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं।
ये बंदा या बंदी जिनके साथ आप रिश्ते में हो, टेन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है इनके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तभी ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहा है। ये उन जिम्मेदारी को खत्म करना चाहते हैं, रिश्ते में परेशानी चल रहा है उसे खत्म करना चाहते हैं। बंदा जगलिंग के मूड में है, इनके पास हो सकता है और ऑप्शन है, या फिर पैसा और रिश्ता दोनों में ये खुद को बांट रहा है। जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक रिश्ता सही नहीं होगा, और पैसे भी चाहिए रिश्ते भी चाहिए ये सोच के बंदा या बंदी परेशान है। इनके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारी का बोझ भी है, बर्डन भी है, परिवार का, रिश्ते का, काम का, तो ये इन चीजों से गुजर रहा है। बहुत दिनों से परेशानी चल रहा है इनके लाइफ में ऐसा लग रहा है, तो इन चीजों से ये खुद को मुक्त करना चाहते हैं, इन बर्डन से खुद को बाहर रखना चाहते हैं, परेशानी से खुद को बाहर रखना चाहते हैं, धीरे धीरे रिश्ते को, अपनी लाइफ को और इस रिश्ते को भी स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। स्टेबिलिटी के लिए मेहनत तो कर ही रहा है, लेकिन इनको पता है कि हो सकता है बहुत जल्दी इन चीजों में उनको स्टेबिलिटी ना मिले, लेकिन स्टेबिलिटी जरूर मिलेगा। इस सोच के साथ बंदा आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बर्डन को कम करना चाहते हैं। इनको पता है कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करनी होगी और रिश्ते के लिए भी, और ये जी तोर से कर रहा है, जी तोर मेहनत करके कर रहा है। ये नया शुरुआत चाहते हैं अपने लाइफ में, नया कुछ करना चाहते हैं, खास करके इन दिनों जो स्थिति इनका दिखाई दे रहा है, ये अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। रिश्ते के बारे में जितना सोचना चाहिए उससे कम सोच रहा है, बहुत ज्यादा ये सोच रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी के बारे में। अगर मैं कहूँ कि ये रिश्ते के बारे में क्या नहीं सोच रहा है, डेफिनेटली सोच रहा है, लेकिन उतना नहीं सोच रहा है जितना इनको सोचना चाहिए, क्योंकि नो कॉन्ट्रैक्ट का सिचुएशन चल रहा है। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन, जो भी पर्सन ये रीडिंग देख रहा है, सुन रहा है मुझे, तो वो सोचेगा कि क्या मुझे मेरे बारे में नहीं सोच रहा है, उतना नहीं सोच रहा है जितना सोचना चाहिए। ये ज्यादातर जो इनका वक्त सोचने में जा रहा है वो अपने बर्डन को कम करना, स्टेबिलिटी के बारे में सोचना, अपने लाइफ में नया कुछ करना। कभी कभी उनको ये लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, खुश हूँ, लेकिन आपके साथ रहना उनका विश फुलफिलमेंट है, लेकिन वो उस चीज के बारे में अभी नहीं ज्यादा सोच रहा है जितना ये पैसे कमाने में, स्टेबिलिटी पाने में अपना सोच लगा रहा है। आप किसी कैंसर स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस वर्गो हो सकता है, कोई एरीज हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेता है तो इनका क्या एक्शन रहेगा। लिब्रा, अगर आपके पर्सन कोई एक्शन लेता है तो इनका एक्शन क्या रहेगा। मुझे लगता है इनके लाइफ में आपके अलावा भी कोई और है, लेकिन ये किसी भी तरीके से आपको भी ये रखना चाहते हैं, आपको भूलने की तो कोशिश कर रहा है। ज्यादातर वक्त ये अपने दोस्तों के साथ बिताने के बारे में सोचेंगे, उनके साथ रहने के बारे में सोचेंगे, लेकिन कितना भी दूसरों के बारे में सोचे आपको ये भूल नहीं पाएगा। 24/7 ये आदमी को याद करेंगे, इस रिश्ते में आने की कोशिश करेंगे। कोई है मतलब हमेशा कोई थर्ड पर्सन ये नहीं है, काम हो सकता है, दोस्त हो सकता है, तो इन चीजों में ये बिजी रह के अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन नहीं कर पाएंगे, ये आपके तरफ भी आएंगे। 24/7 ये बंदा या बंदी आपको सोच रहा है, ये कुछ नहीं कर पा रहा है आपको छोड़ के, बाकी चीजों को ये सोच ही नहीं पा रहा है, बहुत कुछ कर रहा है कि खुद को रोक के रख के काम पर कॉन्सेंट्रेट करे, दोस्तों के साथ बात वक्त बिताए, लेकिन ये नहीं कर पा रहा है। हर चीज में इनको कंट्रोल इशू हो रहा है, पैसे को जमा करने के लिए, सेविंग्स करने के बारे में सोच रहा है इन दिनों। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी आए हैं, ये हमेशा पैसों को रखना, पैसों को जमा करना, सेविंग्स करना, इन चीजों में इनकी वक्त जाएगा। साथ ही साथ ये आपके साथ पार्टी शार्टी, घूमना फिरना, दोस्ती, इन चीजों को याद भी करेंगे।
कुछ लोगों के लिए ये आएंगे भी आपके तरफ, बात करेंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये पैसे में वक्त लगाएगा, लेकिन अपने बात आप तक जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ बात करना चाहिए, बात करके चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। जब तक ये आपसे बात नहीं कर पाएगा तब तक खुश नहीं रहेगा। थ्री ऑफ कप्स के कार्ड एंड एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ये आपके साथ दोस्ती भरा माहौल चाहते हैं, घूमना फिरना, दोस्ती रखना। भूलना चाहकर भी ये नहीं पाएंगे आपको भूलना, क्योंकि 24/7 ये बंदा या बंदी के दिमाग में आप रहते हो और ये पुराने अच्छे पलों को भी याद कर रहा है। कोशिश तो बहुत कर रहा है कि अपने काम में बिजी रहे, ये रहे वो रहे, पैसे कमाए, पैसे सेविंग्स करे, लेकिन आपको भूलेगा तभी ना ये भूल नहीं पा रहे हैं। आप इनका विश फुलफिलमेंट हो, कोशिश कर रहा है कि इन चीजों से दूर रह के पैसे कमाए और पैसे में अपना सोच को इन्वेस्ट करे, लेकिन नहीं कर पा रहा है और कर नहीं पाएगा। पुराने पल को याद करके खुश हो रहा है। देख लेते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, देख लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, बिग हैप्पी चेंजेस। मुझे लगता है ये बंदा जो मेहनत कर रहा है, बंदा या बंदी, आपकी तरफ आने के लिए, पैसे कमाने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ये बहुत बड़ा हैप्पी चेंजेस आप लोगों की लाइफ में होने जा रहा है, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। बहुत बड़ी हैप्पी चेंजेस आप लोगों की लाइफ में हो रहा है, होने जा रहा है, उसको एक्सेप्ट करें, खुश रहे, पॉजिटिव रहे। जो आपको मिलने जा रहा है उसे दोनों हाथों से ग्रैब करें और यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स को समझे और उनका शुक्रिया अदा करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।